सागर के लाखा बंजारा तालाब में प्री वेडिंग फोटोशूट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। फोटोशूट शादी से पहले हो या बाद में, अब तालाब किनारे फोटोशूट का क्रेज युवा युवतियों में जमकर बोल रहा है। जब से लाखा बंजारा तालाब में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन प्री वेडिंग फोटोशूट कराकर यादगार लम्हों को सहेज कर रखना चाहते हैं। बनाए अपने सपनों का घर इंजीनियर उमेश रैखवार के साथ भुवनेश डिजाइन हाउस, वास्तु अनुसार नक्शा लेआउट, पता है कैची ब्रांच के पास पूर्विया वार्ड सागर। शादी से पहले फोटो और वीडियो शूट के लिए यदि आप सागर जिला मुख्यालय के नजदीक लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बेस्ट लोकेशन के बारे में बता रहे हैं जहां पर आप फोटो शूट करवा सकते हैं। तालाब घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह के साथ साथ फोटो शूट के लिए भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ तालाब के चारों ओर लाइट लगी हुई है, वो कलरफुल LED लाइट है जिससे शाम के समय प्री वेडिंग फोटो शूट कराने में बैकग्राउंड में रंगीन दिखते हुए तालाब के पानी और खंबे के लाइट के साथ बहुत ही सुंदर फोटो आती है। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार पुनर्विकास और सौंदर्यकरण कार्यों के लगभग पूर्णता की ओर आते आते अब झील का मनोहारी दृश्य फोटोग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण बना है। नागरिकों को फोटोशूट डेस्टिनेशंस के रूप में खूबसूरत झील का लाभ मिल रहा है। हाल ही में प्रारंभ हुई वोटिंग सुविधा के बाद झील के कंचन पानी की लहरों पर तैरती वोट में प्रोफेशनल कपल फोटोशूट की गतिविधियां देखी गई हैं और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है। शादी से पहले प्रोफेशनल प्री वेडिंग शूट और अन्य प्रकार के कपल फोटोशूट भारत में आजकल काफी प्रचलित है। इसके लिए लोग देश की अलग अलग खूबसूरत डेस्टिनेशंस पर जाकर फोटोशूट कराते हैं और ऐसे जगहों पर प्रोफेशनल फोटोशूट के लिए 5-10 हजार से लेकर मोटी रकम फोटोशूट डेस्टिनेशंस फीस के रूप में ली जाती है। सागर और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में अन्य शहरों में जहाँ नदी तालाब के पानी पर वोटिंग सुविधा, सुंदर घाट, ऐतिहासिक किले, हरे भरे पहाड़, वादियाँ होती हैं वहाँ फोटोशूट कराने जाते हैं। परंतु अब लाखा बंजारा झील शहर में प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। इस विशाल झील के साफ पानी पर वोटिंग सुविधा, ऐतिहासिक मंदिरों सहित 400 मीटर तक बड़े घाट, ऐतिहासिक किलों के तर्ज पर तैयार की गई छतरियां और पुराना किला, खूबसूरत लाइटिंग आदि इसे फोटोशूट के लिए पहली पसंद बना रहा है। सागर और आसपास के लोग लाखा बंजारा झील को खूबसूरत फोटोशूट डेस्टिनेशंस के रूप में उपयोग कर अपनी जेब पर पड़ने वाले भार को भी कम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि झील से गुजरने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर लोकार्पण के दिन से ही रील्स बनाने सहित अन्य फोटोशूट के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन बना हुआ है और यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य सागर के अधिकांश सोशल मीडिया संचालकों के हैंडल्स पर देखे जा सकते हैं। मेरा नाम अंकिता लोधी है और मैं यहीं सागर से ही आई हूँ। तो यहाँ किस तरह का अभी माहौल देख रही हैं आप? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है और फोटो शूट के हिसाब से तो और ही अच्छा है। जैसे कि अभी पहले हम लोगों को कहीं टूर लोकेशन के लिए जाना, फोटो शूट के लिए जाना पड़ता था, बट अब ये है कि यहाँ हो जाता है। तो यहाँ किस किस तरह की लोकेशन आपको मिल जाती? मोस्टली यहाँ पे राजस्थानी लुक वाली फोटोज हो सकती है बिकॉज लोकेशन उस हिसाब से है। अच्छा, और ये झील की वजह से भी बहुत अच्छी फोटोज आती हैं। तो इसके पहले भी अभी यहाँ ये आप फर्स्ट टाइम? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मैंने और लोगों को देखा, उनसे इंस्पायर होकर मैं यहाँ। मेरा नाम है शिखा प्रजापति और मैं सागर में रहने वाली हूँ। और यहाँ जो ट्रेन बड़ा है, यहाँ जो भी न्यू ओपनिंग्स हुई हैं, इससे पहले हम जो जाते थे फोटोग्राफीज के लिए वो ज़्यादातर राजघाट या वाटरफॉल या हाईवे साइड के लिए जाते थे जो सिटी से ज़्यादा दूर पड़ता था। अभी जो नया आया है इसमें सिटी के बीचों बीच हमारे यहाँ ये नया ओपनिंग्स हुई है जो इसके लिए फोटोग्राफी अच्छा है। तो जी किस तरह के और लोकेशन इधर आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छी लोकेशन है ये, जैसे कि फोटोशूट के लिए बहुत ही बेटर है। मेरा नाम प्राची पटेल है और मैं ना यहाँ फोटोशूट करवाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जी बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि फोटोशूट का ट्रेंड चला है, तो मेरा भी मन किया कि मैं करवाऊँ। किस किस तरह के यहाँ लोकेशन मिलते हैं आपके लिए, मिल रहे हैं? मुझे बनारस का लुक मिलता है और राजस्थान जैसे किला हो गया, छोटे छोटे टेंपल टाइप के, तो उसके लुक के लिए अच्छा रहता है। तो ये शहर में बीचों बीच अच्छी चीज़ है? हाँ, ये मतलब मुझे अच्छा लगा। तो और सागर में तो अभी डेवलप हुआ है, पहले था नहीं, तो पहले तो करवाया नहीं, अब डेवलप हो गया है तो अब करवा रहे हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह राजपूत है, मेरा इंस्टा ID है राजपूत फोटोग्राफी MP15 के नाम से। और अगर लोकल शहर की बात की जाए, अगर कस्टमर की डिमांड्स आती है कि हम लोग को भोपाल जैसे शहर में जो लोकेशन रहती है, ऋषिकेश की लोकेशन है, पचमढ़ी की लोकेशन है, तालाब झील होना चाहिए और भी एटमॉस्फेयर
सारा व्यू जो रहता है तो वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। चकरा घाट एक ऐसा डेवलप हो गया है अपने यहाँ का कि अपन को जो रिजल्ट अपन को चाहिए है, जो कस्टमर्स की डिमांड आती है, अपन उसको सर्टिफाइज कर सकते हैं अपन का। अच्छा, पूरी तरीके से। तो यहाँ किस तरह से लोग, मतलब जो फोटो शूट कराने वाले हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, और किस तरह के आपके ऑर्डर मिल रहे हैं? दिन पे दिन, पहले दिन दो शूट के ऑर्डर आए थे, अगले दिन 5 शूट के ऑर्डर आए, आज 8 शूट करके 8वां शूट हम लोग पूरा करके हम लोग पैकअप करके अब यहाँ से निकलने वाले हैं। दिन पे दिन इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी हो गई है और लोग एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि यार हम भी ऐसा सूट हम भी चाहते हैं, तो उस वजह से और भी डिमांड्स आ रही हैं। अगर कोई यहाँ पे सूट करवाना चाहता है तो किस तरह के चार्जेस लग रहे हैं? चार्जेस उनकी डिमांड के हिसाब से रहता है, जो भी वो मानते हैं कि भाई हमें लिए फैसिलिटीज चाहिए है, तो उस हिसाब से उनका प्राइस डिक्लेयर किया जाता है। बनाए अपने सपनों का घर इंजीनियर उमेश रैखवार के साथ, भवनेश डिजाइन हाउस, ऑनलाइन नक्शा पास, सागर नगर निगम, मकरोनिया, बंडा, शाहपुर, बांदरी, सुर्खी, बिलेहरा, कर्रापुर, टोटल स्टेशन मशीन द्वारा खेत नाप, कॉलोनी प्लानिंग, लेआउट प्लॉट विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण सुपरविजन, वास्तु अनुसार नक्शा, लेआउट, एलिवेशन डिजाइन। पता है कैची ब्रांच के पास, पुरव्याउ वार्ड, सागर।